नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 31 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस टॉपिक के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जरूरी है क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो पसंद आने पे आप लोग लाइक शेयर तो करते ही हो, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं करते हैं आप लोग भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देशभर में कौन सी रैंकिंग दी गई है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस निवासी को देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री अलंकरण 2021 के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस कर रखा है इसके बारे में, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न का और जवाब दीजिएगा, राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक प्रदेश के कुल कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए अब हम आज का अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, भारतमाला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो कार्य किए जा रहे हैं और हाल ही में जितने प्रोजेक्ट्स पे अप्रूवल मिले हैं उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो श्री नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने 5 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ में इनका मुलाकात हुआ और भारतमाला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्गों को शामिल करने हेतु इनके द्वारा अप्रूवल दिया गया। कौन कौन सी ये 3 सड़कें हैं? तो एक है रायगढ़ धरमजयगढ़ मार्ग, उसके बाद है अंबिकापुर भैंसामुड़ा वाड्रफ नगर धनगांव बम्हनी रेणुकूट बनारस मार्ग, इस पर भी अप्रूवल दिया गया। और तीसरा है पंडरिया बजाग गाड़ासराय मार्ग। तो ये तीनों मार्ग पर नया नया अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा पहले से भी 3 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था जिस पे लगभग कुछ काम रुके हुए थे, इसे फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें पहला है रायपुर दुर्ग बाईपास और इसके बाद है रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग। ये मार्ग बहुत चर्चा में है क्योंकि बजट में भी इसमें कुछ एलोकेट किया गया है और ये लगभग 450 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, और एक है बिलासपुर उर्गा मार्ग का निर्माण और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से लगभग 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण की सहमति दी गई है जो नया अप्रूव हुआ है उस पर, और जो ये प्रोजेक्ट्स जो पहले से अप्रूव्ड है इस पर भी टोटल 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट्स के लिए। याद रखिएगा, मेंस में वैल्यू एडिशन का बहुत काम आ सकता है ये सारे प्रोजेक्ट्स। छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट का कार्य किस प्रकार से चल रहा है, विकास का कार्य किस प्रकार से चल रहा है, तो इन सारे जितने भी डेटा है उस सबका आप वैल्यू एडिशन के तौर पर मुख्य परीक्षा में कर सकते हो। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी, भारतमाला परियोजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 में भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में भारतमाला का फर्स्ट फेज शुरू है जो कि खत्म होगा 2022 में। ठीक है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत टोटल 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जो है वो किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस कार्यक्रम की अवधि कब से कब तक है? फर्स्ट फेज है 17-18 से लेकर 21-22 तक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो भारतमाला परियोजना के बारे में भी याद रखिएगा। इस ग्राफिक की मदद से भी आप भारतमाला परियोजना के बारे में जान सकते हो। भारतमाला कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर।
कैसे कैसे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंटर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी, बॉर्डर रोड्स यहाँ पर हो गया, कोस्टल रोड्स हो गया, तो इतने टाइप्स के जो है यहाँ पर ग्रीन फील्ड बैलेंस NSDP वर्क्स किया जा रहा है। तो कितने टाइप्स के कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, आप इसके बारे में भी इस ग्राफिक्स के मदद से भी आप एनालिसिस कर सकते हो। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैल्यू एडिशन में बहुत काम आ सकता है। अगला, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जल्द ही 2 नए जज मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 2 नए जज मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर 2 नए जज मिल जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ में जजों की संख्या है, चीफ जस्टिस मिलाकर 14 है, अगर ये मिल जाते हैं तो इसके बाद हो जाएंगे 16। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम की तरफ से 4 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की जो रिकमेंडेशन है वो सरकार से किया गया। सरकार के अनुशंसा के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुशंसा के बाद ये दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। पहला है नरेंद्र कुमार व्यास और दूसरा है नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी। दोनों का नरेश कुमार चंद्रवंशी और पहले है नरेंद्र कुमार व्यास। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको याद रखना होगा। स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन के समय ही। कौन से क्रम का ये हाईकोर्ट है, पूरे देश भर में 19वां है। प्रथम चीफ जस्टिस V.S. शशांक, ये भी याद रखना है। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, रामचंद्र मेनन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 22 जजों का स्ट्रेंथ तय किया था, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो मैक्सिमम जजों की संख्या हो सकती है वो 22 हो सकती है। वर्तमान समय में सिर्फ 14 जज हैं और 2 जजों को अपॉइंट करने की बात कही गई है, तो इससे यहाँ पर 16 हो जाएंगे। और वर्तमान समय में महिला जजों की संख्या भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कितना है, तो 2 है। दोनों का नाम क्या है, तो सबसे पहला नाम है रजनी देवी और विमला सिंह कपूर, इनकी नियुक्ति वर्ष 2018 में की गई थी, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, रायपुर में ओपन गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट होगा, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो नवा रायपुर के सेक्टर 24 में किया जाएगा, सिर्फ आप नवा रायपुर याद रखेंगे। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मेफियर गोल्फ कोर्स है नवा रायपुर में, वहीं इसका आयोजन किया जाएगा, अभी प्रस्तावित है। हालांकि फरवरी के आखिरी सप्ताह में, फिर जनवरी के पहले सप्ताह में इसका आयोजन किया जा सकता है। और इस टूर्नामेंट में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके बारे में वन डे एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर का निधन हो गया है हाल ही में। तो BCCI के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर छत्तीसगढ़ के भिलाई के निवासी हैं, जिनका नाम है RT रामचंद्र। इनका 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर हैं, जिनका नाम है RT रामचंद्र, जिनका 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। इन्होंने अपने क्रिकेट अंपायरिंग काल में लगभग 32 रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग कर चुके हैं, 4 ODI इंटरनेशनल में भी कर चुके हैं, 10 A-list मैच, दिलीप ट्रॉफी, इन जगहों पर भी ये अंपायरिंग कर चुके हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका U19 में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, प्रदेश का पहला महिला पुलिस बैंड कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्रदेश का पहला पुलिस बैंड की जो स्थापना है आपका बस्तर में किया गया है, बस्तर जिले में गठित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वन डे एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली महिला पुलिस बल जो है वो संविधान के भीतर लैंगिक समानता का प्रचार करेंगी, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ भी ये काम करेंगी। तो इस प्रकार से प्रदेश का पहला महिला पुलिस बैंड, सिर्फ इतना ही याद रखना है कहाँ गठित किया गया है, किस उद्देश्य के साथ में गठित किया गया है। वुमन एम्पावरमेंट की बात हो तो वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। अगला, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था, कुछ सालों से बंद है क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए बंद है। अब इसे जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एडॉप्ट करने वाली है, तो अभी सरकारी हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 2 फरवरी 2021 को दुर्ग जिले के कंचादुर में स्थित है डॉक्टर स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल निजी मेडिकल कॉलेज, इसको अधिग्रहण करने की घोषणा की है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल निजी मेडिकल कॉलेज वर्तमान समय में बंद है क्योंकि काउंसिल ऑफ मेडिकल इंडिया गाइडलाइन के पूरी नहीं कर पाने से पिछले 3 वर्षों से बंद है।
चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2012 और 13 में की गई थी। इस कॉलेज के अधिग्रहण से राज्य में जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की जो संख्या है उसमें 150 सीटों की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति किस प्रकार से है ये भी जानने योग्य है। अगर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को ऐड कर दें तो वर्तमान समय में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, और अगर चंदूलाल चंद्राकर को हटा दें यानी कि एक्टिव मेडिकल कॉलेजों की संख्या देख लें तो ये अभी वर्तमान समय में 9 है, ठीक। जिसमें से सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति किस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से है, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर, यानी कि 6। अगर प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति देखें तो रायपुर में रिम्स है, भिलाई में शंकराचार्य है और दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर है। ये हालांकि अभी इफेक्टिव नहीं है, बंद है। अगर निजी कॉलेजों की संख्या देखें तो जो एक्टिव है वो 2 है और इसके अलावा अगर इसे भी ऐड कर दें तो 3 है, और एक केंद्रीय मेडिकल कॉलेज है जो कि एम्स आपका रायपुर में स्थित है। इसके अलावा हाल ही में हमने पढ़ा था कि 3 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो अभी प्रस्तावित हैं, 365 करोड़ रुपए की लागत से 3 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। एक कोरबा में प्रस्तावित है, दूसरा महासमुंद में प्रस्तावित है और तीसरा कांकेर में प्रस्तावित है, क्लियर है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति किस प्रकार से इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, गिधवा पर सदा में पक्षी जागरूकता व प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि गिधवा पर सदा में पक्षी महोत्सव बनाया जा रहा है जो कि प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव है। मुख्यमंत्री भी यहां पर विजिट किया, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि इसी जगह पर पक्षी जागरूकता व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई है ताकि इन पक्षियों को संरक्षित किया जा सके। इनमें गिधवा व परसदा ग्रामों के आसपास जिन क्षेत्रों में भी प्रवासी पक्षी आते हैं, किस प्रकार से प्रवासी पक्षी आते हैं पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, और योजना बनाकर राज्य के जैव विविधता बोर्ड द्वारा कार्य किया जाएगा। तो इतने फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, यहाँ पर जागरूकता व प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो पक्षियों के संरक्षण से संबंधित जागरूकता व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है बजट। यूनियन बजट अनाउंस किया गया हाल ही में 2021 और 22 हेतु, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है जो कि PPP मॉडल पे इसे इस्टैब्लिश किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसे इस्टैब्लिश किया जाएगा और इसमें NGO का भी रोल रहेगा। तो उस 100 सैनिक स्कूलों में से 4 सैनिक स्कूल जो हैं छत्तीसगढ़ में भी खोले जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में ये 4 सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ खोले जाएंगे तो रायपुर संभाग में खोला जाएगा, दुर्ग संभाग में खोला जाएगा, बिलासपुर संभाग में खोला जाएगा और बस्तर संभाग में खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, 4 संभाग में खोले जाएंगे क्योंकि 5वें संभाग में ऑलरेडी ही सैनिक स्कूल है आपका अंबिकापुर में, ठीक है। और इन स्कूलों को निजी और गैर सरकारी संगठनों NGO के साथ में मिलकर स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको बोला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत NGO के साथ में मिलकर इन सैनिक स्कूलों की स्थापना किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यूनियन बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पूरे देश भर में 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने हेतु घोषणा की गई है, जिसमें से 4 सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ स्थापित किए जाएंगे आप याद रखिएगा, ठीक है। और एकमात्र सैनिक स्कूल वर्तमान समय में आपका अंबिकापुर में स्थित है, ठीक। अगला टॉपिक है निष्ठा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। निष्ठा योजना क्या है? तो निष्ठा योजना को शुरू किया गया था कोरोना काल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से। यह शिक्षकों को ट्रेनिंग देने हेतु एक प्रोग्राम है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम था जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ के 135,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और यह शिक्षक होंगे पहली से 8वीं कक्षा तक के 135,000 शिक्षक, और इन्हें निष्ठा प्रोग्राम के तहत जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो नोडल एजेंसी होगा इस कार्यक्रम के लिए वो SERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। याद रखिएगा निष्ठा प्रोग्राम के बारे में, क्या है निष्ठा और निष्ठा को कब शुरू किया गया और निष्ठा प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कौन कौन से क्लास तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की गवर्नर श्रीमती अनुसुईया उइके जी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 29 जुलाई 2019 से लेकर 6 जनवरी 2021 तक एक राज्यपाल के रूप में लगभग 10,000
849 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को इन्होंने सुना। तो इतनी ज़्यादा मुलाकात और समस्याओं को सुनने के लिए इन्हें जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अनुसुईया उइके जी ने किस लिए नाम दर्ज किया है, तो इस कार्य के लिए दर्ज किया है। और कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए भी आप तैयार रखिएगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा समस्याओं को अपने इस 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने सुना है। क्लियर। चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो का जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है लोक कला रत्न सम्मान। तो ये लोक कला रत्न सम्मान क्या है, तो हाल ही में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के द्वारा लोक कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान जिसका नाम है लोक कला रत्न अवार्ड, ये दिया जा रहा है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को। क्लियर है। डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर द्वारा निर्मित अभिनीत फिल्म है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, जो कि अमेरिका न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित चैनल बिग बॉय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया था, और इसीलिए कला के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान को देखते हुए इन्हें जो है लोक कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी रखना कि इसी साल के बजट में यानी कि 2021 और 22 के बजट में एक अनाउंसमेंट और किया गया है जो कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एकलव्य स्कूल के बारे में आपको पता है, तो एकलव्य स्कूल वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, तो वर्तमान समय में टोटल एकलव्य स्कूलों की संख्या है 71। एकलव्य स्कूल क्या होता है, एकलव्य स्कूल के साथ में हॉस्टल्स होते हैं और ये मुख्यतः जनजातीय लोगों के लिए इस एकलव्य स्कूल को बनाया गया ताकि बच्चे वहीं पर रहें, वहीं पर पढ़ें, वहीं पर सीखें, उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारा इस स्कूल के तहत किया जा रहा है। और इस एकलव्य स्कूल का जो मॉडल है वो छत्तीसगढ़ से ही अडॉप्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वर्तमान समय में 71 एकलव्य स्कूल है और इस बजट में अनाउंस किया गया है कि 750 नए इस एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में 14 विकास खंड में एकलव्य स्कूल नहीं है। तो इस 14 विकास खंड में एकलव्य स्कूलों की स्थापना भी की जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, मेंस में वैल्यू एडिशन का काम आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमने टॉपिक्स एनालिसिस किया आपके प्रीलिम्स के लिए भी आप निकाल लीजिएगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट डेटा आप छांट कर रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हालांकि PDF डालने में थोड़ा सा देरी हो रहा था, लेकिन PDF अब आपको रेगुलर अपडेट करा दिया जाएगा, अगले ही दिन मैं डाल दिया करूंगा, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।